when we used to be the kids, class 8 में, class 9 में, class 10 में जाके जब बैठते थे तो एक हमारे लिए वो दरसगाह होती थी, जब वो चीज़ें सुनते थे, सीखते थे, कोई क्या बात कर रहा है, कोई किस किस की बात कर रहा है, आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती थी वो बात बीच में कोई बात करे इस किस्म के हो। आजकल वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अभी भी कुछ हैं जहाँ वो फैमिलीज़ हैं जहाँ अपने बच्चों को डाइनिंग सेट पर रात को डिनर पर बिठा के आपने वो बातें करते हैं, शेयर करते हैं अपने ऑफिस का एक्सपीरियंस, अपने स्कूल का एक्सपीरियंस, ऐसा जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो कोशिश करके कभी 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 अब डिनर कहीं नहीं करती थी। इफ़ शी इज़ इन दुबई और इन कराची, डिनर फैमिली के साथ है। अगर कोई स्पेशल गेस्ट आ गया वो फैमिली के साथ डिनर करेगा। वो डिनर उनकी चलती थी दो दो घंटे। क्या था उसमें, बच्चे आ गए, बातें शुरू हो गई, हाँ बेटा क्या हुआ स्कूल में आज, क्या पढ़ा आपने, टीचर ने क्या कहा, स्कूल में क्या हुआ आपके साथ कोई एक्सपीरियंस, अपनी बातें, उसकी बातें। तो कम से कम बात बच्चों के जहन में जो चीज़ होती थी वो आके पेरेंट्स को बताते थे, मेरे साथ ये हुआ। पेरेंट्स का अपना जो एक्सपीरियंस होता था वो बच्चों के साथ शेयर करते थे। तो इस हवाले से वो तरबियत होती थी। गली में आप गुजर गए, किसी सीनियर बंदे ने आपको देख लिया, इफ़ देर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, आपको कॉल करके बेटा इस तरह नहीं, इस तरह करो, अपने कपड़े नहीं सही पहने हुए, आप अपना सर डांप लो, समथिंग लाइक दैट। आजकल अपने पेरेंट्स से नहीं करें बाकी क्या करेंगे। तो ये हमारी ड्यूटी है कि इन यूनिवर्सिटी अगर हमारे पास बच्चे आ रहे हैं उनको ये चीज़ें सिखाएं, लेकिन पहले हम भी सीखें। मैं अपने एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा है विद इन द सिलेक्शन बोर्ड्स, इफ़ यू हैव बीन इन सम ऑफ द प्रोफेशनल सिलेक्शन बोर्ड्स, आप में से कोई हो सकता है, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल प्रोफेशनल जो उसमें सिलेक्शन बोर्ड होते हैं वो एक बड़ा हाल उसमें एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है, बड़ा हाल होता है, बड़े हाल में 6-8 लोग बैठे होते हैं। जैसे वो कैंडिडेट इंटर होता है देखने से आपकी 1/3 असेसमेंट हो गई, आप इंटर हो गए, आपका गेटअप क्या है, जैसे आप इंटर से होंगे सब देखेंगे आपको। गेटअप का मतलब है आपकी हेयर स्टाइल, शेप, कपड़े क्या पहने हुए, फिर देखेंगे आपका चलने का स्टाइल क्या है। आप जब तक आपकी कुर्सी पे बैठेंगे आप समझेंगे 1/3 असेसमेंट आपकी होगी। आपने कभी नोट किया है चलते फिरते कोई बंदा जा रहा है यार बदमाश लग रहा है, आपने देखा नहीं है उसको, आप पता नहीं है कौन ये, वो गेटअप से लग रहा है। कोई बंदा जा रहा है आप देखेंगे यार लग रहा है कोई क्लास वन अफसर लग रहा है ये, तो आपको पता नहीं कि है क्या वो, सिर्फ गेटअप से पता चलता है। तो ये गेटअप जो है, ड्रेस जो है, इट प्लेज अ मेजर रोल। अगर आप किसी क्लर्क या किसी की इसकी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप पहन के जा रहे हैं सूट और पता नहीं क्या पहन के जा रहे हैं, अंदर जो बैठे हैं सिलेक्शन बोर्ड कई और ड्रेस में बैठे हैं, ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ किस एरिया में है, किस पोजीशन के लिए है, किस एनवायरनमेंट में है, किस क्लाइमेट में है, किस टाइम पे है, आप डिनर में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, ऑफिशियल फ्रेंड्स हैं ऑफिस में मिलने जा रहे हैं, प्राइवेट किसी के साथ मिलने जा रहे हैं या घर में बैठे हैं, ड्रेसेस आर डिफरेंट। किस पोजीशन की जा रहे हैं आप, यू हैव टू थिंक अबाउट मुझे किस किस ड्रेस पहननी है। तो दिस इज ड्रेस, आप समझ रहे हैं कि ड्रेस का कुछ भी नहीं है लेकिन ड्रेस का बहुत बहुत रोल है। काफी काफी बच्चे नॉट बिकॉज ऑफ द जीपीए, आपका जीपीए आउटस्टैंडिंग है बट दे आर रिजेक्टेड, किन चीजों पे, एक तो मैंने बता दिया आप इंटर हो गए, आपकी ड्रेस क्या है, आपका चलने का, एक मेरे पास एक वन ऑफ सीनियर रिसर्च ऑफिसर वॉज वर्किंग अंडर माई सुपरवियन, आई वॉज इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो एक खातून थी जो बिग बॉस थी, उसने मुझे कहा कि आपका बंदा आई ना ये खुद को समझता क्या है। मैंने कहा क्या हुआ, वो सामने बेचारा बैठा था बहुत शरीफ आदमी, एक गांव का दादू का था, बिल्कुल बेचारा कुछ भी नहीं पता। देखिए इसका चलने का स्टाइल देखा आपने, मैंने कहा नहीं, ऐसे चलता है जैसे प्रेजेंट चल रहा है। वो बेचारा परेशान हो गया कि सर मैंने क्या गुनाह किया। मैंने कहा भाई आर्गू नहीं करो, चुप करो,
फिर मैंने उसको आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें सिखाई, समझाएं कि कैसे चलना होता है, कैसे बात करनी होती है, कैसे बेस करनी होती है। तो इंटरव्यू में जब आएंगे, आपका इंटरव्यू में होगा, आपका CGPA, आपका नॉलेज वो नहीं देखेंगे। फिलहाल स्टेजेस होती हैं, आप एंट्री मारी, आपने अंदर आ गए और आपका 1/3 आपका असेसमेंट होगा कि लुक्स ओके। जो इमेज होगा आपका, वो जो सिलेक्शन में बैठे होंगे लोग, उसमें पॉजिटिविटी आएगी 1%, 2%, 5%, अच्छे देखने में अच्छा लग रहा है, लुक्स गुड, आपको बिठाएंगे, बात करेंगे, हाउ डू फील, जनरल बात होगी। जनरल बात में हाउ यू टू पार्टिसिपेट, बात कर रहे हैं या बिल्कुल बुद्धू की बुद्धि बेहतर है। अगर बात कर रहे हैं, अगेन आपको 10%, 20% आपकी असेसमेंट और हो गई, नो ही स्पीक्स वेल, ये इज अ कॉमन सेंस। उसके बाद इफ यू आर फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, मैं उसको कहूँगा अनफॉर्चुनेट, वो चाय पी रहे हैं, आपको चाय की ऑफर करते, चाय ले लें, आप आते बैठ, आपको वो भी ऑफर कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको मेज़बानी का शब्द देते हैं, लेकिन ये कुछ चाय तब आपको दे रहे हैं खाने के लिए, टेस्ट करेंगे कैसे चाय पी रहा है, कैसे खा रहा है, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आपसे बात करेंगे, हाँ बताओ अपना एकेडमिक बैकग्राउंड होता क्या है। तब तक आपका उनका माइंड जो है 50% उन्होंने रीड कर लिया आपका। अगर कोई पॉजिटिविटी होगी या नेगेटिविटी होगी उनके जहन में आ गई होगी, अच्छा लगता है। अगर आपने अपने सब्जेक्ट में इवन 50% आपने अपने सवाल, अपने जो उसमें प्रेजेंटेशन अच्छी दी थी, बता दो सवाल जो उसने कर दिया, यू आर ओके, यू आर नॉट रिजेक्टेड। लेकिन अगर उसमें आपने उसमें भी बिल्कुल बुद्धू हैं, आपको कहेंगे 100% यू आर आउट। अगर 50% सब्जेक्ट में 50% जनरल आपका जो है उसमें, आई मीन यू आर ओके, आपको मैन देखेंगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको देखेंगे कि पब्लिक डीलिंग में बंदा कैसा होगा, दिखने में कैसा होता है, बैंक्स में या कस्टमर सर्विस में खास करके चीज देख रही, अपीयरेंस देख रही, इसका अपीयरेंस क्या है, ड्रेसअप क्या है। सो दिस ड्रेस प्लेज अ मेजर रोल। लेकिन कोई क्या फार्मूला होना चाहिए कि किस किस्म का ड्रेस पहनना चाहिए, किस किस्म का कलर पहनना चाहिए, कोई इसके अंदर फार्मूला नहीं है। डिपेंड्स ऑन द कल्चर, डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट। यू मस्ट हैव विटनेस्ड अफ्रीकन पीपल, मैंने यूरोप में अमेरिका में बहुत से देखे हैं, जितने काले उतने उतना वो ब्लैक, उतना वो डार्क ड्रेस पहनते हैं, या डार्क ब्राउन, या डार्क ब्लैक, या डार्क मरून, और इस किस्म के कलर देखे दे लाइक, उनका कल्चर है। आप उनको देखिए यार सूट ही नहीं कर रहा। अगर मैं किसी ड्रेस पहनने में खुश हूँ, इफ आई एम हैप्पी, दैट्स ओके फॉर मी। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझे याद नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ से लेकर अभी तक मैंने वाइट, ऑफ वाइट, लाइट ब्लू के सवा मैंने कोई शर्ट पहनी। इट्स नॉट कि मुझे मतलब आई डोंट लाइक, अलग मुझे गिफ्ट्स मिलती हैं मरून, ब्राउन, पता नहीं किस किस्म का, अमर एक्सपायर जैसे ये शर्ट आपकी यार मुझे सूट नहीं करेगी, पड़ी होती है 6 महीने साल 2 साल, या मुझे आई डोंट वॉन्ट किसी को और को दे दे। इवन द सलवार कमीज, यहाँ आके मैंने वो डार्क कलर मैंने शुरू कर दिया, कभी ठीक है सलवार कमीज में चलता था, लेकिन डिपेंड करा है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी बॉडी का शेप क्या है, आपका एनवायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको ड्रेसअप होना है। ये नहीं कि आप कहें कि नहीं अगर आप फुल सूट में हैं दैट्स ओके, फुल सूट के अलावा एवरीथिंग इज रिजेक्टेड, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन इफ यू आर इन स्मॉल कैरियर, दैट कैन बी सलवार कमीज, दैट कैन बी अ ट्राउजर, दैट कैन बी एनीथिंग, इफ यू लुक गुड, इफ यू आर क्लीन, इफ यूर गेटअप इज ओके, दैट्स ओके फॉर अस। बट इफ यू आर वेयरिंग अ फॉर्मल ड्रेस, उस फॉर्मल ड्रेस के लिए अगेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन, आपका कोट फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट कलर, मे बी अ ब्लू, उसके साथ कौन से ट्राउजर होने चाहिए, कौन से शर्ट होनी चाहिए, दिस आर डिफरेंट प्लेस इफ यू आर गोइंग फॉर द फॉर्मल ड्रेसिंग, एंड दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट कि फॉर्मल ड्रेस में क्या होना चाहिए। लेकिन ड्रेस के लिए कोई ऐसा नहीं है कि क्या किस कलर किस किस्म का, एनवायरमेंट पर डिपेंड करा है, इवेंट पर डिपेंड करा है कि किस इवेंट पर जा रहे हैं और किस टाइम पर जा रहे हैं, बट इट प्लेज अ मेजर रोल। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरा ग्रेड अच्छा है, आई हैव टेकन 4 out of 4 एंड दैट इज द 100% सक्सेस रेट, बस मैं कामयाब हो जाकर, दैट्स नॉट द केस।
आप यदि 100% आपका वो फोर आउट ऑफ फोर हो, बट आपकी ड्रेसेज, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बाकी चीज़ें नेगेटिव हैं, यू आर गॉन। कोई से भी पोजिशन हो, आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे, बहुत सुना होगा आपने, या वो जो फोर थे CGPA 3.5 थे उनको ड्रॉप करके 3 वाले ले लिए, कोई सिफारिश होगी। प्राइवेट कंपनी में इज नॉट ओनली सिफारिश, सिफारिश नहीं होती वहाँ। प्राइवेट में सिर्फ ग्रेड नहीं होता, प्राइवेट में कुछ और चीज़ें होती हैं, तो सेट और बाकी लोग काउंट करते हैं कि ये मेरे लिए कस्टमर के साथ बाकी लोगों के साथ कैसे बात कर सकेगा, कैसे डील करेगा, कैसे कॉन्फिडेंट है, कितना कॉन्फिडेंस है, हाउ ही लुक्स लाइक इज अ फीमेल और मेल। सो दे बोथ शुड लुक गुड इन अ ड्रेस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बॉडी, डिपेंडिंग ऑन द कलर एंड डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग। अगेन अगर उसको टेक्निकल उसमें लैंग्वेज में जाएंगे तो वो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको कहेंगे कि बॉडी लैंग्वेज, बॉडी शेप क्या है, किसी को कहते हैं एप्पल शेप, किसी को कहते हैं पियर शेप, किसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप, उसमें कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितने वो ब्रेथ होनी चाहिए। अगर मेरा कद छोटा है और मैंने बड़े लंबे कपड़े पहने हुए हैं, इट लुक आर्ट। अगर मेरी हाइट है और मैंने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, तो पहला टारगेट देख लिया क्या पहना है इसने, भले आपके कपड़े बहुत महंगे हों। सो दीज आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। So I'm not a specialist in designing and dressing. We have expertise today. Thanks so much.